कुछ काम नहीं होता है, कहीं जाओ तो रिश्वत लेते हैं लोग, अधिकारी है लोग सब कहते हैं। हाँ। कांग्रेस में एक बार फोन लगा तो सारा काम हो जाता है। अच्छा, चंद्रशेखर रावणपुर आज हम चाहू थे। बिजली, पानी और सड़क और जहाँ चाह चले जाओ बेधड़क। तो मैं तो यही कहूँगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, सरकार ने विकास तो किया है और ऐसा बेमिसाल कि 9 साल विकास के मामले में नहीं पीछे है। तब हमने पहचान ली, एसपी को कलेक्टर को हमने लिख के दी, विधायक जी लोग गए, कोई सीधी बात सुनाई नहीं गई। कहूँ भी देख लो जो काम भाई भाजपा शासन में भाई, कांग्रेस शासन में कोई जा बता दे कि कोई विधायक रहे 25 साल लेंगे जो काम करवा दो। क्या समस्या है तो पूछ ही नहीं हो रही है ना कोई कछु हमारा नुकसान हो तो हम कह देते कि भैया हमारे एक नाती है तो इतने वो कुछ गाँव तो उस नाती की हमने सब नहीं कार्रवाई करी, कोई सुनाई नहीं गई। मगर किसी ने सब हवा गरीब की आज एक भले आदमी को लागा हो तो सब लोग गांव बस्ती बाहर प्राण त्याग के काट देते के जब जाया। 2 महीना पहले एक बने ढीमर की लड़की की लाश ही मिली थी रोतेला पर। शिशुपाल के लिए उन्हें खून दे सकते हैं, खून दे दे खून तो डॉक्टर साहब तुरंत उनको जेल पहुंचा रहे हैं। ऐसा है, ऐसा तुरंत केस करवा रहे हैं, वो जेल पहुंचा रहे हैं। हमारे भी लोग मतलब उनके मारो भी है और उनपे केस भी करो, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तहसीलदार ने लाए और थानेदार ने। जब से विधायक रहे उनने गुंडागिरी की ऐसी तैसी कह दी, उन्होंने दबाज भी देते हैं आज क्या डाक साहब से नहीं मिले तो साले जेल पहुंचा। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। और बुंदेली वार्ता की टीम आप सबको पता है कि बुंदेलखंड की अलग अलग विधानसभा के अलग अलग गाँव में जाके जो जमीनी हकीकत है वो जानने को प्रयास कर रही। कैसे पीछे कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है 18 महीना, फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैदान में आई है और इसके पहले भी करीब 18 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है। सो सवाल दो जनन से हैं, कांग्रेस वालन से भी है और भाजपा वालन से हैं, लेकिन असल हकीकत का है गाँव के लोगों को कितनी सुख सुविधाएँ मिली, गाँव के लोग कितनी तकलीफन से जूझ रहे, ई को जायजा लेवे के लाने हम लोग ग्राउंड पर पहुँच रहे। लोग खुद बताएं ताकि स्थानीय लोग हैं कि उन्हें ई सरकार से कितो फायदा है कि नहीं है, कि कांग्रेस से फायदा है, तो ईमानदारी से सबसे बात पूछें। कोनू पे कोनू दबाव नहीं है भैया, सब लोग अपनी ईमानदारी से जो जी को अच्छा लगे बिना दबाव के आप खुली आज़ादी से बोलिए। शुरुआत भैया से करें, भैया अपन को क्या नाम? यशपाल यादव। यशपाल यादव जी, सबसे पहले तो ई गाँव को जातिगत समीकरण हमें आप बताओ कि सबसे ज़्यादा बकरी की हैं, फिर की हैं, फिर की हैं? कुशबा, आधे में कुशबा आधे में सब जाते हैं। आदि माने 50% कुशवाहा बाहुल गांव है, जा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुशवाहा जी बहुत सारे लग रत पंचमपुरा गांव में, पंचम खेरा गांव में। ये गांव में तो कुशवाहा खराक पे तो कुशवाही कुशवाहा है। हां, ये खराक पे कुशवाही कुशवाहा 90% 90% कुशवाहा जी। अच्छा, तो का रुझान लग रहा हो इस बार, स्थिति का नजर आ रही है? आपने कांग्रेस की सरकार भी देख ली कछु महीना और कछु भाजपा भी लंबे समय तक देखी, अंतर का समझ में आ रहा हो कछु? थोड़ा बहुत अंतर समझ में आओ जनता को? नहीं, बिल्कुल अंतर, जो भाजपा ने विकास करो जो रोड जो भाजपा शासन में डरो। कहूँ भी देख लो जो काम भाई भाजपा शासन में भाई, ठीक है, कांग्रेस शासन में कोई जा बता दे कि कोई विधायक रहे 25 साल लेंगे जो काम करवा दो। हाँ। एक भी काम नहीं करवा भाजपा शासन में। लाडली लक्ष्मी योजना इतनी बहना जो हर सड़क पूरे गाँव में हो गई। कहूँ भी देखो आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र का होता ही एक खड़क पे बनने, आंगनबाड़ी केंद्र भी बन गए, अस्पताल भी उतरे बनने। बहुत विकास कर दो विधायक जी ने अभी 15 महीना में। 15 महीना में माने काम भाई हैं गांव? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा हो चाचा? सब बढ़िया लग रहा हूँ। माहौल का चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो तमाम जो दावेदार हैं जिनको विधानसभा चुनाव लड़ने हैं वे भी गांव में आए अपनी बातें करें, लेकिन वास्तव में जनता को कौन सरकार में राहत मिली? जो सरकार चल रही उसमें मिली और आने वाली उसमें मिले। अच्छा, नहीं अभी कांग्रेस की सरकार देखी, इन्हें कैसो काम करो कांग्रेस वालों ने? अब कांग्रेस वाले की देख 15 महीने सरकार रही, उनमें क्या उन्हें कर पाओ? अभी जो चल रही जो सरकार कर रही काम वो कर रही, 15 सरकार में कुछ कर पाए 15 महीने में? कुछ नहीं कर पाओ, क्या कर पाओ, कुछ नहीं कर पाए। आपको क्या लग रहा दादा? आपको हमें तो जो लग रहा है हम तो हमेशा से यही भाजपा में रहे हैं। हाँ। और भाजपा ने ऐसा करो है कि भाजपा जो है नए अनखों माने पूछने लगी, पुराने ऐसा ही है, हमें तो कोई सवाद ही नहीं मिल रहा है भाजपा को, काय नहीं मिल रहा है, हमें तो नुकसान ही में है, बहुत ज्यादा नुकसान में। क्या नुकसान है चाचा? जो नुकसान है कि कांग्रेस ने हमारा पहले नुकसान कायदा तो एक जमीन थी 12-13 एकड़ जमीन सरकारी भीड़े थी, ठीक है, वो जमीन को उनने छुड़ा ली थी। इसके बाद भाजपा हमेशा रही, फिर उमा के चुनाव में रहे हम, हमेशा इतनी उमा के चुनाव में रहे, उनने हमें राहत दी, उमा ने हमारी सहायता करी, हालांकि मिट गई उमा, फिर नहीं हमारी पूछ भाई देवराज सिंह को हमने एक दाल एप्लीकेशन लिखवा के दाओ कि साहब
हमारी हम पुराने हैं कार्यकर्ता और हमारी थोड़ी बहुत सुनाई तो होवे, उनने कोई सुनाई नहीं करी हमारी तो। आप पुराने भाजपा ही हो, आप की सुनाई नहीं हो? हाँ बहुत पुराने हैं हम, इतने पुराने कहते इस गांव में कोई हतव नहीं आता। सबसे पुराने गांव, सबसे पुराने। अब क्या समस्या है आपको? अब यह समस्या है कि कुछ पूछा ही नहीं हो रही है, ना कोई कछु हमारा नुकसान हो तो हम कह देते कि भैया हमारे एक नाती है तो इतने वो कुछ गाँव तो उस नाती की हमने सब ने कार्रवाई करी, कोई सुनाई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं। और गाड़ी भी पकड़ ली। दादा से पूछ, दादा अपन को का नाम? हमारा धर्म नाम जी श्रीमान। गरीब का कोई नहीं होता। रो नहीं, रो, रो नहीं आप, हम तो हैं, बताओ खुल के बोलो। के 2 साल को बच्चा है, कुल 2 साल को कुछ गाओ तो स्टॉक पे खत्म होगा। हम 17 जाना फिर श्रीमान, किसी ने हमारी सुनाई नहीं कही। हमने गाड़ी की भी कही के जाया गाड़ी, वो गाड़ी भी कैंसिल कर गई। तो श्रीमान आपको गाड़ी को नंबर पता हो? तो पतो है गाड़ी जो पतो की थी। और कार्रवाई नहीं भाई? कोई कार्रवाई नहीं भाई साहब। कहाँ कहाँ गए आप शिकायत कर? हम निवाड़ी फिरे, हम पीथी पर फिरे, हम सब रिहाय फिर सब अटकाए। मगर किसी ने सब हवा गरीब की आज एक भले आदमी को लाका हो तो सब लोग गांव बस्ती बाय प्राण त्याग के काट देते के जब जाया। महाराज कोई सुनाई नहीं है हमारी। जा है यही से हम गांव में आत, गांव की हकीकत आपको दिखाता हूँ। और जी कोनो बनावटी लोग नहीं कहने खड़े कर रहे हो, वास्तव में इनके संगे घटना भई है और बहुत सारे गांव के लोग जो हैं वे भी स्वीकार कर। बच्चा सब आज हवा दिया समझ गा, आज हवा को है। देखो इन लोगों की समस्या आप लोग समझो, हम आपकी बात जरूर रखें, आप हमें डिटेल दियो जब जब हम बात कर लें लोगों से। जी दादा बात कर रहे हैं, घटना एकदम सत्य है? घटना तो सत्य है बिल्कुल बिल्कुल। ऐतई बिलूर बाय आई यूटिलिटी और मोड़ा खूँ पेट्रोलाऊ और सीढ़ी चली गई। किसी ने ना गाँव वाले ने सुनी और ना सरकार ने सुनी, भग भग के जो आदमी परेशान होकर घर बैठ गए। अब बताओ जो काम सरकार को है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि सरकार के अधिकारियों के पास जा रहे दादा, बार बार जा रहे, बता रहे निवाड़ी गए, पृथ्वीपुर गए, टीकमगढ़ गए, सब जगह जाए, लेकिन अगर कार्रवाई ना हुई है तो आदमी कितों ना कितों भरोसों खो देते हैं। और भी लोगों से बात करें दादा से, हम बाद में जब इतने चौपाल कर लें और लोगों से चर्चा करने के बाद दादा से बात करें, दादा की जो एप्लीकेशन हुई है उन्हें भी देखें और कितों ना कितों संबंधित अधिकारी तक एक बार फिर बुंदेली वार्ता के माध्यम से ऊखों पहुँचावे को प्रयास करो जे। भैया आपको का नाम? हमारा परमु कुशवाहा। परमु कुशवाहा, हाथ नहीं जोड़ने हम कौन नेता नो। आप तो दिल की बात बताओ, सरकार आपको कौन सी अच्छी लग रही? हमारा बचकानी अगर खत्म होगा तो। अच्छा वो आप ही को लड़का है? हम बिल्कुल खुद को एक ही लड़का है तो। वो खत्म होगा तो पिकअप हमने पहचान ली, एसपी को कलेक्टर को हमने लिख के दी, विधायक जी लोग गए, कोई ने सीधी बात सुनाई ही नहीं गई। कब की घटना है? जा है 6-7 तारीख थी, 6वां महीना चला 2023। 2023 तीन महीना भाजा, 7 तारीख को हो जाए, तीन महीना हो जाए। अब तक कौन उन्हें कुछ कार्रवाई नहीं हुई बताओ। जी उनके जो बच्चा की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी हैं, एसपी के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, इतने के स्थानीय जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके पास भी गए, लेकिन अभी तक कछु नहीं हुआ भाई साहब। बिल्कुल सत्य जी बात तो। और हम भी इनके साथ में गए तो टीआई साहब ने कही गाड़ी उठा लो, आदेश करो। जब गाड़ी उठावे के लाने पुलिस उसे पहुंची तो विधायक जी को 3 बार फोन आओ। किसके पास? पाल के पास, जिसकी वो पिकअप थी। तो 3 बार फोन आओ विधायक जी को कि गाड़ी नहीं उठाना अभी, फिर हम उसकी छानबीन कर रहे। फिर हमारे लोग विधायक जी के भी पास गए तो विधायक जी ने कही चलो हम देखें ले रहे, वो सब कहने दे रहे। ई के बाद उन्हें इतने से केस जेरोन से उठा के सिमरा कह दो, सिमरा में फिर दूसरे तीसरे दिन 5-6 दिन गए जे लोग और फिर लास्ट में उन्होंने कह दी कि तुम्हारे केस में कछु नहीं हुआ, तुम घर बैठो। मेन गलती मेन भूमिका की नजर आ रही? मेन भूमिका विधायक जी की आ रही, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ जैसे भी तो उठा भी उनने कही भी थी पुलिस वाहन ने कि हम गाड़ी उठा भी जा रहे हैं, फिर भी पहुंच भी गए गाड़ी उठा भी, फिर भी बोले विधायक जी को फोन आगा सुनने रुको दे, बोले अब हम कछु नहीं कह सकते, अब तो चल फिर लो सब हो जाए। अच्छा बहुत सारे इतने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भाजपा सरकार चाह रहे हैं,
हम भैया भाजपा विरोधी नहीं है ना कांग्रेस विरोधी हैं, हम तो सच के साथ ही हैं जो गांव की जनता के, गांव को जो चैनल है बुंदेली वार्ता, गांव गांव यही से जाते हैं। अब डायरेक्ट सतपाल यादव को जो लोग नाम ले रहा है, इनमें भी हमारी कौन गलती नहीं है, इनके संगे घटना भाई जे लें जे दहाड़े कहाँ से इनके संगे भाव है, अगर उनने कछु करो ये को नाम हुई है जब इनके हो झूठी नहीं क्यों झूठी नहीं क्यों भाई साहब हमारा तो जो साध भाव तो किसी भी भज्जा नहीं जाने की के चलो हम तो काम करा रहे हम सत्र ही जाएंगे फिर से। अब और जा बात भी बिल्कुल सही है, जासे भी हम इनकार नहीं करें के हम लोग विधायक सांसद इसे बनात के वो हमारे अपने बीच को रथ और जब चाहे हम उसे कह लें कि जा समस्या है अधिकारी हमारे अपने बीच के नहीं रथ अधिकारी रथ तनखाइया उन्हें सैलरी मिलत वे सैलरी पे काम करत लेकिन विधायक सांसद अपना रथ इसे हम भरोसा कर सकते बिल्कुल सत्य है। और अब की बार फिर मौका आ रहा हो विधायक बनावे को तो सबसे बढ़िया चेहरा कौन हो सकता है, मौका के लाने तो समय आवे पे बताओ जे के जो है के चेहरा का दिखा है। अबे तो जो है के हमारे लोग को मारो भी है उस पे एफआईआर कह दे और थाने में गए विधायक जी ने उसे फोन लगा दो कि उन लोगों को जेल पहुंचाओ, हम लोगों ने फिर पैसा दे दो आगे जमानत करवाई उनकी और जो है कि उन्हीं को मारो है उन पे एफआईआर करवाई वो केस भी करवाओ और डॉक्टर साहब ने खुद टीआई साहब को फोन लगाया कि इनको जेल पहुंचाओ। हाँ हर जगह जो है कि इतनी मुसीबत झेल रहे हैं वो तो अब समय बताएगा, अभी कोई कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि अभी जो इतना समय खराब है कि कुछ थोड़ा सा काम कुछ बिगाड़ देगा तो डॉक्टर साहब तुरंत उनको जेल पहुंचा रहे हैं, ऐसा है ऐसा तुरंत केस करवा रहे हैं और जेल पहुंचा रहे हैं। हमारे भी लोग मतलब उसके मारो भी है और उसपे केस भी करो कम से कम 20-25 हज़ार रुपया तहसीलदार ने लाए और थानेदार ने लाए। अच्छा आप अब बोल रहे हो खुले खुले बोल रहे हैं विधायक के बारे में तो आप जेल नहीं जाओगे कि आप कह रहे हैं जेल जाते हैं पहुंचा देंगे, हम गलती ही नहीं करेंगे कैसे पहुंचा देंगे, अगर एक दो कोई दे जाएगा तो शांत घर बैठेंगे कैसे जेल पहुंचा देंगे, मैंने कोई कूटे से कुट के शांत बैठ जाएंगे क्या करेंगे फिर कोई सुनता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है इसकी बात। वाह भैया अपन को क्या नाम? सुनील कुशवाहा। अनिल कुशवाहा। सुनील। सुनील 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 साहब आपको क्या लग रहा है ई बार की सरकार बने चाहिए, दिल की बात? बदलाव होगा आपकी बात। बदलाव होगा, बदलाव किस तरफ जाएगा? कांग्रेस में। कांग्रेस में और कांग्रेस में क्यों जाएगा, कुछ कारण? क्या विकास में विकास नहीं हुआ, जैसे फोन आ जाता है मतलब किसी की लड़ाई भाई तो तुरंत फोन कछु होते ही नहीं, इसे बदलाव होगा। और वे उतर से भैया जो हमने पहले भैया से बात करी थी भी करे थे भाजपा सरकार में बहुत काम भाई सड़क भी अभी डरी भैया है, क्या नाम है भैया? मनोहर कुशवाहा। कुशवाहा जी आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनी? भैया मैं हमें जो लग रहा हूँ कि मैं ज्यादा बात करेंगे तो मैं जेल पहुँचा सकते हैं भैया। ओ भाई साहब हम आएंगे सबके पास आएंगे लेकिन जो बोल रहा है उसकी सुनो फिर उसका जवाब दोगे। हाँ भैया हम इस जा करें कि हम जाना उकता है कि कोई बात करें तो जल्दी पहुंचा देने, 15 दिन को जेल पे गए थे हम भाजपा सरकार में। हाँ। कुछ किया होगा तभी तो जेल गए? कुछ नहीं। हाँ। कुछ बात ही नहीं हुआ है सब। हाँ। केवल थानेदार ने बुलाया है। हाँ। 151 कही 151 जेल पहुंचाओ, जेल से कड़ के ही आए, दबच भी देते हैं आज के डॉक्टर साहब से नहीं मिले तो साले जेल पहुंचा देंगे। मैं तो जाकर जेल आज भी 151 में जेल गए थे? जेल गए हमें तो किसी से लड़ाई झगड़ा गाँव में? किसी से नहीं, किसी से लड़ाई नहीं थी, सीधा जेल। सीधा जेल और डॉक्टर साहब टीआई साहब ने कहा पृथ्वी में यादव जी थे। हाँ। बोले कल डॉक्टर साहब से मिल जाओ तो तुम जेल से बच जाओ, लेकिन मैं नहीं मिलेंगी, मुझे जेल पहुंचा ना, जेल तक आज भी तक जाऊँ मैं। मिलने में क्या हर्ज है? मिल लो नहीं, मैं नहीं मिलेंगी। क्यों? जब एक भी हम अंधा हो आए तो उसके लाजे में नहीं बाका ढूंढने के लाने आदमी के लाने जेल है अब तुम पैस हो। तीन तीन गाड़ी पुलिस की चढ़ा दी हमारे घर पे। हाँ। ना कुछ मिला, बहुत से आदमी थे हमारे पास, तीन तीन गाड़ी पुलिस की। कहते दारू बेचता है, जिसका दारू तीन तीन में गाड़ी नहीं एक क्वार्टर नहीं निकला वो तो जेल की हवा फूंकते हैं, जेल पहुंचा देंगे तुझे। मैंने कि मैं बंद भी कह दें, मैंने कि मैच वो ठप्पे पीते हूँ मैं त्याई साहब के सामने कहा था मैंने पीती जीवन में बहुत से आदमी कि मैं पीते हैं दारू का रीट किया सरकार बेचती है तो पीते हैं तो 5 क्वार्टर पे केस बना दिए। अब हम पैच ही बता दें अब दो हम पढ़े तो अब रसीद रखी मेरे पास अदालत में मुकदमा का हो ऐसी सरकार मैंने 50 साल की उम्र होगी मेरी अनिता नायक रही विक्रम सिंह दादा रहे बिजेंद्र सिंह राठौर रहे ऐसी सरकार नहीं देखी मैंने जैसी यह सरकार है। अच्छा गलती सरकार की देख रहे हैं आप भाजपा की के विधायक जी की? विधायक जी की और सरकार की। भाजपा से कोई दिक्कत? भाजपा से भाजपा से दिक्कत हमें नहीं नहीं हमारा नंद पाड़ी आए उन्होंने टीआई साहब को फोन किया कि जब कुछ नहीं करे आओ तो क्यों बंद कर रहे अब पैसों की बात भाजपा से दिक्कत नहीं है आपको? नहीं हमें भाजपा से और भी तमाम लोग हैं भैया आपका क्या नाम है? भाई सर हम कुशवाहा।
कुशवाहा जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? पहली बात तो 4 महीना से हमारी डीपी खराब है, बीजेपी की सरकार है, ना डीपी की कोई सुनाई कहता है। 1000 लाड़ली बहना को रुपया दे तो हर 2500 रुपया पे ले आ रही है। हम सरकार बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, यदि भाजपा टिकट बदल दे तब कोई सोचेंगे कुछ? सोचेंगे, वही कोई टिकट मिल जाएगा तो सोचेंगे, और किसी को टिकट मिल जाएगा तो सोचेंगे। व्यक्तिगत विरोध बहुत है विधायक का, यहाँ के स्थानीय विधायक का, ये लोगों से सुनने को मिल रहा है, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं। यहाँ तस्वीरें दिखाएं, पीछे हमारे बहुत सारे लोग हैं और सबसे बात करेंगे हम, पंचमखेड़ा के जो यहाँ मौजूद लोग हैं सबसे बात करेंगे, ताकि कोई ये ना कह पाए कि हमसे बात नहीं की, हम कुछ कहना चाहते थे, और स्वतंत्र सबके विचार हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं है। राजकुमार कुशवाहा, खुल के बोलो, क्या बात है? बात कुछ नहीं है। हाँ, किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस की। कांग्रेस की, ऐसा क्यों? का है भाजपा की तरफ क्यों नहीं? काम का हुआ जी, लाडली बहना योजना, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, और इतनी सारी तो योजनाएं चला हम रहे। कौन योजना ले ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी? हमारा आवास बना, हमारा कछ नहीं हुआ, ना हमें चाहने आए, चाहने भी नहीं है। काहे नहीं चाहने? नहीं चाहने, आवास बन गओ ले लो बेबी, कितने बन गओ इनको आवास बन गओ? हम कितने बा, हम आवास कितने बा, ना हमारा नाम अलग है, बाबा ये अलग है, नाम अलग है, कहाँ से बन गओ आवास? अच्छा, भाजपा से कायते गुस्सा? बीजेपी के पास में कोई ना, कुछ काम नहीं होता है, कहीं जाओ तो रिश्वत लेते हैं लोग, अधिकारी है लोग, सब कहते हैं। कांग्रेस में एक बार फोन लगा तो सर काम हो जाता है। अच्छा, हाँ, इस वजह से कांग्रेस चाहते हैं? कांग्रेस चाहता हूँ। मुकेश कुशवाहा जी, कुशवाहा जी, आपस में नहीं बोलो भैया, ओ भाई साहब आपस में नहीं बोले, आपस में नहीं, हम सुन रहे हैं ना। हमारी कोई आवाज नहीं आया है, ठीक है, और आवाज के साथ में जो बिजली माने बिल है जो हमारी, तो बिल 3 महीने से 2000 से ऊपर आ रही है, जो माने मकान वाली है, और ट्रांसफार्मर कम से कम 4 महीना से खराब पड़ा है। ठीक है, कहाँ का, किस जगह का? पंचमखेड़ा का, और हमारी खिड़का का जो बब्बा खेड़ा बोला जाता है, यहाँ का भी खराब है, दोनों ट्रांसफार्मर खराब है 3 महीने से। 3 महीने से कोई चाचा ही नहीं कहता है, अपनी लाइट कभी कुआ से ले आते हैं, कभी ऐसी परेशान होता है, तो सरकार भी बदलना चाहते हैं और विधायक भी बदलना चाहते हैं। विधायक भी बदलोगे, सरकार भी बदलोगे? सरकार भी बदलोगे। शिवराज जी अच्छे नहीं लग रहे? शिवराज सिंह भी अच्छे नहीं है, बहुत दिन हो गए शिवराज, बहुत दिन हो गए। आपका क्या नाम भैया? अरविंद कुशवाहा। अरविंद कुशवाहा, कुशवाहा जी आपको क्या लग रहा है, तमाम लोग हैं जो वहाँ से भाजपा की आवाज शुरू हुई, उन्हें भाजपा के अच्छे काम बताए आपके गाँव में, यहाँ से बात कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस क्यों आपकी नजर में? 17 साल हो गई, क्या किया सर बीजेपी ने? इतनी योजनाएं तो दे रहे हैं वो लोग, इतनी योजना दे रहे हैं, महंगाई है। हाँ, महंगाई के मारे जनता परेशान ही है। हाँ, अच्छा, तो सरकार बदलना है कि केवल विधायक का बदलना है? और विधायक भी बदलना है, दोनों पक्की बात है? की बात है, दादा है, दादा अपन बताओ कहा है अपने दिल की बात? हमारे दिल की बात का है, हम तो फूल के हैं, जब कांग्रेस में से कड़े आए तो कड़े आए, भूल के हैं, लेकिन हमको ना बहन योजना कोई योजना नहीं, में कोई योजना नहीं। आप भाजपा ही हो, आपको भी योजना नहीं? कोई योजना नहीं, ये बात जरूर ले, ले, ले फूले ही में रे, फूले ही में रे फूले। अच्छा जी, लोग विधायक की बहुत बुराई कर रहे हैं जी, उन्हें काय बुराई कर रहे हैं? उन्हें आंसी गई सुबह बुराई कर रहे हैं, मैंने झूठी बुराई नहीं कर रहे, झूठी काय करें भाई बुराई, जान पूछ के वो बच्चा मर गया यहाँ, और वो बच्चा ही कोई सुनाई नहीं भाई, तो भाई झूठी बुराई कैसे कर दें? सही बोल रहे जी, बिल्कुल सही है, इसमें इतनी नहीं है। आप फूल के हो, आप अपनी पार्टी के नेतन से कत कत गाँव में खूब भैया कत खूब कत के भैया सुनाई नहीं हुई गरीब आदमी की। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप जो चाह रहे हैं कछु की सुनाई हो जाए और जे कर दे में विधायक, हम तो फूल के हैं, हमें भी कछु ना दे में तो हैं, ऐसा है। हाँ, कब से हो? अब जितना से पहुंच गए उतना ही से हैं। मैंने की संगे पहुंच गए, कौन उन्हें तो कही डाक साहब के संगे पहुंच गए डाक साहब। अब डाक साहब से कहो कि गांव के इतने लोग परेशान हैं, 3 महीना से डीपी नहीं आ जा गाँव में, खूब भैया कह रहे उनसे या नहीं है ना कह रहे, फिर कैसे फूल के जब आप ही की बात नहीं सुन रहे? अब नहीं सुन रहे, जैसे नहीं सुन रहे वो उनकी तबीयत की बात है कि नहीं सुन रहे, हम ही तो है नहीं है। हमारे साड़ी के बाद भी फूल में रहे हो आप? फूल में तो रहेंगे,
जैसे रह गए उम्मीद फूल आपको आवास एक नहीं मिलो, आवास मिलो आपको प्रधानमंत्री? हाँ मैं मिला, मिला है, मिला है। हाँ, वजह से ये वजह से मतलब नहीं। हाँ। वो तो जे सरकार देती बेनी रही तो जा सरकार देती, वो तो जो आदेश है प्रधानमंत्री का वो तो मिलेगी। सही है। आप रही आगे की बात कि आगे भी हमें किसी सहयोग नहीं दे रहे, लेकिन फूलेंगे। हाँ। रहेंगे फूलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो चाचा भी बहुत ईमानदार भाजपाई है, कछु करो रे हम फूल में। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत अच्छी लगी आप, बहुत ईमानदार भाजपाई हो आप। आप बताओ चाचा आपको का नाम? भाई साहब हमें तो ऐसे विधायक मिलोगे ऐसे जिंदगी में मिलो, जो विधायक सही विधायक ठीक है। हाँ। पार्टी अलग है। हाँ। लेकिन शिषपाल के ऐसे नीतबंध विधायक आज तक मिलो ना हो जे। ठीक है। हाँ। गरीब आदमी की मदद कह केवल भी तुम्हें बताइए, खराब आदमी की संगत, खराब आदमी के संगे नंजा भी गरीब आदमी के संगे है। हाँ। हाँ। नंजा खराब आदमी के संगे। आपस में बात नहीं करना, हम बात कर रहे हैं ना। बे गुंडागिरी जब जब से विधायक रहे उनने गुंडागिरी की ऐसी तैसी कह दी उनने। हाँ। गरीब आदमी एक लाख रुपया ला चलो जाए कुछ छोड़ा ही बाओ नंजा। हाँ। इतने सही है आदमी भी विधायक जी, सही विधायक जी सही है जे हमें चाहना। आप हमें एक चीज और बता दो, एक बच्चा 2 महीना को आपके गाँव को आपको पता ही है एक्सीडेंट हो गया, पिकअप उठावे पुलिस आ रही थी, ये लोग सीधे आरोप लगा रहे के विधायक जी की वजह से फिर बच्चा खत्म भाई उनको। हाँ। ठीक है, पिकअप इनकी मिल गई थी। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन विधायक जी तो बता दें, विधायक जी सीधी बात हैं, हम तो जाके नीत बंद थे, उनके इलाज हो गए हमारे इलाज नीत बंद थे। हाँ। बस तो इनके संग कार्रवाई कार्रवाई टी आई साहब ने पैसा ले लिया होंगे सुन नहीं भाई, तो टी आई साहब को कोके टी आई साहब से कोके जी बेचारे लड़ेंगे टी आई साहब से विधायक जी से बेकिन भी नहीं बताया पैसा दे दिया रफा दफा हो गई। अच्छा अब तुम्हारे जैसे मतलब खुद बता है अभी। अच्छा एक सेकंड आपस में बात नहीं करना देखो। हाँ सुनो, बिना बिना पैसे की तुमने पटने की हुज्जे अगर पैके बाद पैसे दे हुए जब निपटी हुज्जे। ठीक है। अब इसे ही क्या है कोनो पतो नहीं है। ठीक है। 3 महीना से डीपी नहीं आज लोग बता आप ही के गांव के बिल जमा करने आए। बिल जमा करो डीपी का नहीं आए। अच्छा चोरी से जो हमारे गांव में तो सीधी बार लाइट की तो इतनी सुविधा है कि आज तक भाई ही ना उज्जे 24 घंटा जाते नहीं सीधी बात। सबसे किसान को लाइट की सुविधा है, सबकी सुविधा है। बहुत बढ़िया। नहीं अपनी बात खुली तौर पर देखो, सबकी सुनी छो इनकी भी सुनने, अपने के लिए बुराईदार थोड़ी ना इनके विधायक बुराईदार। आप बताओ भाई साहब। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा है। बढ़िया कुशवाहा। मैं ग्राम पंचायत खेरा का निवासी हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे सरकार देखने से लगता है कि ऐसी सरकार अभी तक नहीं चली। सरकार बहुत बढ़िया चल रही, चोर लुच्चे लफंगे गुंडा दारू बेचने वाले सब सिलेंडर हैं। ठीक है। यहीं रोतेरा गाँव है 2 किलोमीटर। ठीक है। वहाँ पर हमारे भाई लोग हैं, दादा भी हैं, इनसे पूछ लिया जाए कि शाम के 7 बजे ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर से आने में जल्दी हो जाओ, अंधेरा हो जाए तो कोई कूट देगा मार देगा लुट जाएंगे। हमारे 2 किलोमीटर आगे घूमटा घाट है, यूपी और एमपी का बॉर्डर है। वहाँ पर कई ट्रैक्टर कई जीपें कई जनी मानसों को गे पर्दा छोड़ा गया, पकड़ लिया, उनकी इज्जतें लुटी। जब कोई सरकार ने कोई इल्जाम नहीं समझा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है। सही बात। ठीक है। कई लाशें मिली आज जब से डॉक्टर शिषपाल बने हैं, उस दिन से कोई यहाँ पर एक बता दे के घूमटा पर एक लाश मिली। अच्छा मैं अच्छा अब केशवगढ़ में 29 तारीख को एक केवट साहब खो धन को लोग ने बे आरोप लगा रहे, पुलिस में शिकायत कर रहे कि हमारे संगे मारपीट करी केवट ने। 2 यादव जी पे आरोप है, पुलिस ने मुकदमा लिखो लेकिन हल्की धारण में। अब कह रहे कि जो हमारे संगे घटना भाई उस हिसाब से कार्रवाई नहीं भाई, और ऐसा एक मामला नहीं है, हर हफ्ता कोनो ना कोनो मामला। देखो ऐसा एक अहरवार साहब के संगे देखो ऐसा है कि जो यदि आपसी अपने विरोध हैं, ठीक है, आपसी में लड़ाई भड़ाई होती हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की बन जाए, चाहे भाजपा की बन जाए, चाहे सपा की बन जाए, चाहे बीएसपी की बन जाए, चाहे आम आदमी पार्टी बन जाए, जे आपसी के विवाद कोई माई का लाल मिटाने वाला नहीं है। ठीक है। विवाद मिटावे की नहीं कह रहे हम, जा कह रहे हैं 2 जनों में लड़ाई भाई। पुलिस को काम का है मुकदमा लिखवा है कि नहीं है, और पुलिस मुकदमा नहीं लिखे तो उनसे को के मुकदमा लिखवे की पुलिस से। जनता कहेगी, नेता कहेंगे, भैया आम जनता की इन बेबब्बा हते उनकी औकात है वे टीआई से कछु कह पाए नहीं। देखो एक चीज और है, जब तक यदि स्वयं सक्षम नहीं बनोगे, ठीक है, पढ़ो लिखोगे नहीं, शिक्षा नहीं आएगी, जब तक कोई कुछ करने वाला नहीं। बच्चों को तुम छिंजा चराने के लिए भेज रहे हो, बच्चों में शिक्षा नहीं है। जब शिक्षा नहीं है, शिक्षा एक बोसेनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है। और यदि नहीं पिएगा तो वो चिरंजा चुनगुनों की तरह च्यू च्यू करेगा। ठीक है। हम आपसे 100% सहमत हैं, 100% सहमत हैं।
आप तो जा बता दो जनप्रतिनिधि काय को मना। जनप्रतिनिधि इसके लिए बड़ा क्या किसी के लिए अन्याय हो रहा उसके साथ जे उनके संगे अन्याय नहीं भाव बिल्कुल भाव बिल्कुल भाव को खड़ो हुई उनके संगे जनप्रतिनिधि हुई है केवट कटौ के संगे को खड़ो हुई है उनके संगे जनप्रतिनिधि हुई है पुलिस मुकदमा ना लिखे तो जनता के संगे को खड़ो हुई है प्रतिनिधि जे और अब भी हो नहीं रहे आरोप जी हैं फिर जैसे ऐसा भी तो है कि जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि के पास यदि जाओ ना तुम तो क्या पीए चावल लेके प्रतिनिधि पहुंच जाए कहाँ है दो साल को बालक विधायक जी के पास गए थे गए थे साहब हम तीन बार गए तीन बार विधायक जी ने एक दार जाके दी कि हम तुम्हारे दुआए आऊ तो विधायक जी तो नहीं आए इतने निकाय जात मगर दुआए तक नहीं गए थे विधायक जी के पास हो आए थे हम पिताजी गए थे हमारे वे कहे थे हम आए अब तक दो है नहीं हो गए वे कह तुम्हारे थे का भाव पानी तीन महीना हो गया घटना तीन महीना हो गया कोई भी प्रतिनिधि हो गए हमेशा ये होता है कि कहीं पे अगर कोई घटना हुई है अनहोनी घटना या फिर मतलब कोई भी घटना तो कम से कम उनके द्वारे हैं तो जाते हैं शोक में तसल्ली करवाने के लिए लेकिन प्रतिनिधि के पास तो तीन तीन बार गए भी हैं जे लोग फिर भी इनके द्वारे नहीं आए वे जो हमने जवाब वाले दो आपको अभी को आप जवाब दे दो इसका जवाब ये है कि यदि जे लोग गए हैं और यदि उन्होंने नहीं सुनी अनसुनी कर दी तो उसके जवाबदार हम हैं हम जाएंगे उनसे बात करेंगे फोन पर बात करेंगे वो इनके इतने आएंगे आप हमें बहुत अच्छे लगे कि आपने कही कि हम इनके संगे हैं और आवाज उठाए अगर नहीं सुनी उन्हें ऐसे लोग चाहिए कि जो अपने लोग इनके संगे खड़े रहे और नहीं सुनी विधायक ने हमसे सही बात है ऐसी होनी चाहिए बताओ भाई साहब सबके आरोप सुने हमने आपकी बात सुनी सबसे पहले तो हमें लगो कि भाजपा को बहुत बढ़िया माहौल लेते हैं बहुत काम आपने गिनाए लेकिन और जब लोगों से बात की लोग वास्तव में परेशान नजर आ रहे हैं परेशान नहीं है सर जैसे आप गलत काम करो तो भाजपा को विधायक आपको संग दे देगा इन्हें गलत काम करो जी चाचा एक बैठे इनके साथ हम बता रहे हैं इनके साथ घटना भाई उतना हम भी आए थे इनकी नहीं कह रहे हम उनकी कह रहे एक जेल पहुंचाएगा 151 शांति भंग 151 शांति भंग नहीं दारू बेच रहे थे सो गए थे जेल अब एक भंग जेल नहीं गए तो ये सही नहीं बता रहे अब गए थे आप जेल चुनाव में गए थे जेल अब कब चुनाव के पहले काय में गए थे जेल चुनाव के पहले गए चुनाव उपचुनाव हो तो जब गए थे जेल जी क्या वजह 10-15 पहले विधानसभा में नहीं गए थे सरपंच जी के पहले गए थे विधानसभा में गए थे भी सरपंच जी में सरपंच जी के चुनाव के 15 दिन पहले गए थे आप दो जने हो आप हमें जा बताओ जी सही बोल रहे हैं कि झूठी नहीं सरपंच जी के पहले गए तो विधानसभा में नहीं गए साहब सरपंच जी के पहले गाओ 15 दिन पहले झूठो जेल भेज देगा कोई बताओ मालूम नहीं पकी थी पैसे टीआई साहब ने बुलाओ तो उठा लेगा तो क्या करे टीआई साहब ने बुलाओ तो सुजो थाने को उन्होंने कही कि तुम्हारे ऊपर केस होगा उन्हें विधायक जी ने चलो तुम मिलवे सुजो बोले हो हम चल रहे सुबह को ना इनकी वजह जमानत नहीं भाई तो जेल चलो को क्या बात है हकीकत है बात तो मैं ये तो बोल आप बताओ भाई जी बताओ भाई साहब जैसे आप गलत काम करो तो विधायक जी हम हो चाहे को हुए उनको संग नहीं दे रहा तो मर्डर करके पहुंच जाओ विधायक जी क्या कर दें इनके संगे एक्सीडेंट भाव जो जी लोग सब जने के जे उनकी हिमायती जितना एक्सीडेंट भाव इनके परिवार की बहू अकेली रो रही थी कोई पास नहीं तो हम खुद देख भी आए थे को उधर पास पानी पिया भी नहीं तो बहू की बत्ती वाली थी हम इतना ही आए थे खुद देख भी ना को एक एक आदमी नहीं है तो होते उनके पास में ठीक है और लोग भी आज आप आ गए आप बताइए भाई साहब आगे आ जाओ आप बताओ भाई साहब इस क्षेत्र से इस बार विधायक बनने लायक कौन है किसको विधायक बनना चाहते हैं देखिए पहले रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ तो पहले तो मैं आशुतोष जी आपके लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं बुंदेली वार्ता सभी टीम के लिए पूरे गांव के लाने की पग पग दीप जले ना हो कभी गम का सामना और हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश नायक जी भी बैठे हैं गाड़ी में तीनों को हार्दिक शुभ मंगलमय हो द्रवेश मोदी की यही शुभकामना पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ वो आपकी बधाई देता हूँ कि आप हमारे बुंदेलखंड की पिछड़े एरिया में आए तो मैं ये बताऊँगा कि आज तक वास्तव में इसमें किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है ऐसा शासन आज तक नहीं देखा और जिसने 55 से लेकर बचपन के लिया ठेका शिवराज सिंह ने जो मध्य प्रदेश का कर दिया जिन्होंने सारे देश में नाम जो काम हुए ना क्षेत्र में कई वर्षों से इस क्षेत्र के वो कर दिखलाए काम और माननीय शिवराज सिंह को पहले तो मैं करता हूँ प्रणाम। हमारे यहाँ क्या था ये व्यक्तिगत है मैं जानता हूँ राजनीति जो जनता से करता है प्रीत उसकी हर समय चलती है राजनीति वो घर बैठ के जीतते हैं चुनाव यही है राजनीति पर जनता से करो प्रीत। आपको बताना चाहूंगा आशुतोष जी हमारे यहाँ क्या होता था बाढ़ हो चाहे सूखा और माननीय जी ने एक ही बार कहा था कि कोई भी किसान नहीं मरेगा भूखा। पहले तो मध्य प्रदेश के अंदर कितनी गरीबी थी आपने भी देखा है कई क्षेत्रों में ऐसे थे कि जो किसका भी हो खास लेकिन जिनके पास खपरा नहीं जुड़े उनके बनवा रहे आवास को कह रहा कि नहीं मिले आवास जिनने जिंदगी में खपरा नहीं धरवा पाए अपने मकान पे उनको बनवा रहे आवास और वास्तव में इस क्षेत्र में
दो चीजों में विकास के मामले में लिखा गया इतिहास। नंबर एक, आपने देखा होगा ओरछाधीश राम राजा सरकार करने के लिए जब बरसात में जाते थे तो पैदल नहीं निकल पाते थे, क्योंकि नंबर एक जामनी पुल, नंबर दो बेतवा का पुल, चाहे जैसी चाहे लगता था अषाढ़ और दोनों पुलों पर बढ़ जाती थी बाढ़। आपने देखा कैसे लोग अषाढ़ और दो ही पुलन पे आ जाती बाढ़। अब देखो आपने चाहे बुंदेलखंड में देख लो आप, चाहे बेतवा हो चाहे जामनी, अब कैसे चले जाओ कौन नंजा परेशानी, अब कौन नंजा परेशानी, कैसे चले जाओ बिल्कुल बेधड़क। आप देखेंगे तीन चीजों की जरूरत होती है, नंबर एक बिजली, पानी और सड़क, और जहाँ चाह चले जाओ बेधड़क। तो मैं तो यही कहूँगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, सरकार ने विकास तो किया है और ऐसा बेमिसाल कि 9 साल विकास के मामले में नहीं पीछे है। आप तो एक गांव है, गांव में तो आप जानते हैं आशुतोष जी, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो करने के लायक हो, जनता की सेवा के हो लायक, वही फिर से बन जाए विधायक। जो जनता की सेवा के हो लायक, आशुतोष जी मेरा समझे आप सहारा, वो आपका ही मिलता है सहारा, क्योंकि जहाँ होता है बढ़िया मीडिया बढ़िया, तो उसकी भी कब जाती है अड़िया। हम तो आए मोदी छोटे से, वो देश को बैठो मोदी और मीडिया वाले उसकी भी। इसलिए मैं कहूँगा कि भैया आशुतोष जी, मैं आपसे एक ही कहूँगा कि जो भी आप देख रहे हैं, आप सब जानते हो, जो जनता की सेवा के हो लायक वही बनेगा फिर से इस क्षेत्र। मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात करी, जो जनता की सेवा के लायक हो वही विधायक बन जाए। सो ये पंचम खेरा गांव है और इस गांव में एक बार और बहुत सारे लोग हैं, एक बार हम चाहेंगे आप दिखा दो सबको, और सबसे एक बार पूछे लेते हैं, केवल सवाल एक होगा, जवाब सबके अलग अलग हो सकते हैं। हम पूछेंगे पृथ्वीपुर की जनता किसको विधायक चाहती है, जिसके मन में जो हो वो उसका नाम ले सकता है स्वतंत्र एकदम। भाई साहब आप बताएं, आप किसको विधायक चाहते हैं? नितिन सिंह राठौर। आप भाई साहब किसको चाह रहे हैं? शिशपाल यादव। इधर आइए भाई साहब, किसको विधायक बनना है? मैं किसी को नहीं चाहता, किसी को नहीं चाह रहा है। हाँ, आप बता दो। मैं तो पुरानो कार्यकर्ता हूँ भाजपा को, बहुत पुरानो हूँ। हाँ। और मुझे तो बीच कुआ में हूँ, रोड डरा दो। हाँ। बहुत नुकसान में हूँ मैं। विधायक किसको देख, कौन विधायक बनना चाहिए? मैं तो जो है विधायक कोई भी हो, भाजपा को हूँ तो भाजपा ही को रहे हूँ, नुकसान में वो ज्यादा होगा, परेशान है लेकिन वोट भाजपा। शिशपाल यादव। आप किसको चाह रहे विधायक बन जाए? नितिन सिंह राठौर। आप जी विधायक जी जो बने हैं उनको चाहते हैं, उन्होंने नाम है। विधायक जी का नाम पता है? शिशपाल। शिशपाल, हाँ। आप किसको? नीटू यादव। नीटू राठौर। मिक्स में संदेह में है थोड़ा, कोई नहीं। हाँ, किसको विधायक? शिशपाल यादव। आप भाई साहब? शिशपाल ही हैं हमारे तो। शिशपाल, इस बार किसको विधायक बनाना चाहते हैं? शिशपाल यादव को। आप भाई साहब? हम ना शिशपाल की सहायता चाहू तो ना कांग्रेस की चाहू। हाँ, हम दूसरी सहायक बनाऊ तो अपनी जब तक जैसी आया। हाँ, हम भीम आर्मी के कार्य कहता है। हाँ, चंद्रशेखर रावण को राज हम चाहू थे। हाँ, जो है वहाँ। अच्छा, तो आप तो बहुत अच्छे मिले हमें भीम आर्मी वाले। आप हमें ये बताओ कि भाजपा से क्या परेशानी है जनता को, कांग्रेस ने कहा तुम कहता हूँ चले जाओ, बिना पैसा दें तो काम को हो ही नहीं सकता। बिना पैसा दें कोनो काम नहीं होता। वो है कांग्रेस को राज है तो जब लुटाई बिना कछु काम को कहता हूँ करोगे तो लूट डाके लूटें बहुत होती। हाँ। तो इसे हम नई सहायता चाहूँ जो देश को ढंग से चलाए। हाँ। वो अपने काम करे। चंद्रशेखर आजाद बात। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी को विधायक चाहते भाई साहब? शिशपाल यादव। आप भाई साहब? नितिन सिंह राठौर। आप किसको विधायक चाहते हैं? हम तो जैसे हम अब जो काम निभाओ तो हम तो नितिन सिंह हो जाओ। नितिन सिंह राठौर। आप कुछ बोल रहे थे अभी, हम उनसे बात कर रहे थे। वो तो भतीजे के बारे में बोल रहे थे अभी, वो हमारा भतीजा खत्म हो गया था तो गाड़ी उठाने आ रहे थे तो विधायक जी का फोन आ गया तो सीधे गाड़ी नहीं उठी थी हमारी। हाँ, हमारा खत्म हो गया था भतीजा। जवाब है भाई साहब हमारा। हाँ। अभी वो पूछ रहे थे कि लाश नहीं मिली जब से ये विधायक बन गए। 2 महीना पहले एक बने ढीमा की लड़की की लाश ही मिली थी रोतेला पर। अरे हाँ, 2 महीने पहले तो क्या हो गया था उसके साथ? कोई घटना हो गई थी, निकल बोल रहे थे कि लाश मनी जब से कोई मर्डर नहीं हुआ। आप किसको विधायक देखना चाहते हो? नितिन सिंह राठौर। आपसे बात हुई? हो गई। नितिन सिंह राठौर फूल, आप तो पक्का फूल है। शिशपाल सिंह। अच्छा, आप पक्के फूल हो के पक्के शिशपाल हो? पक्के फूल।
पक्के फूल होते तो जाके दे फूल जो उतार दे। हाँ, अपन तो भाई साहब एक ही फूला और फिर से बनना चाहिए उसी का दूल्हा। इनका मतलब है दूल्हा कोई बन जाए, ऊपर फूला होना चाहिए, ऊपर फूला कोई बन जाए दूल्हा। वो हमें तो मटका नहीं मटका ना कूला। हाँ, अपना तो मतलब फूल अब मत करना भूल। हाँ, और फिर से खिलाओ फूल और है पैगाम उसूल का। हाँ, और भैया वोट देना कमल के फूल का। हाँ, क्योंकि बहुत बढ़िया मिले बचपन से पचपन का लिया ठेका। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो भैया कह रहे हैं वानी कह रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपको मालूम होना चाहिए आप कितने मिल रहे हैं वोट। हाँ, क्या अकेले बैनन ही कर देना चोट। हाँ, अकेले इतने मिल रहे हैं वोट, क्या अकेले बैनन कर देना चोट। हाँ, और निंदा करना करो सपोर्ट। हाँ, और भर भर पेट न करने वोट। हाँ, और डंके की चोट। हाँ, अकेले बैनन को जता देना चुनाव और कितने को लगा लीजिए आओ। मोदी जी हैं जी, और मोदी जी देखो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, मोदी जी कछु हों, मोदी जी बुंदेलखंड की शान है, इसे हमें बहुत प्रिय हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज तो जी आपने बनाई है मेरी पहचान। हाँ, वो आप हमारे समय हो भगवान, आप हमारे हो देवी देवता। हाँ, और मैं आपको देता हूँ न्योता। भाई साहब आप किसको चाह रहे हैं? विधायक जी को शिषपाल हूँ। शिषपाल यादव जी बने। हम तो डॉक्टर शिषपाल यादव जिंदाबाद, और बीजेपी सरकार भी जिंदाबाद। शिशुपाल के लिए खून दे सकते हैं, खून दे दे खून करेगा जितने कमाई जैसो हमें नहीं लगा डॉक्टर ने मना कर दे। अरे तोल में बाड़ू ही करे कम न करे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब साहब विधायक जी वाले भैया आप चाचा। हमने क्या कछी चल रही धांधली। नहीं नहीं नहीं, अगर सुनो अगर सुनो, अगर डर हो, अगर डर हो तो बिल्कुल नाव नहीं लेने। जाए नंजा काऊ को न को खाता है न काऊ ने आज तक खा पाओ। इतना चल रही का बैठे बैठे पढ़ रहे कहूँ खूला कहूँ फूला उके बनना दूला। हाँ, हाँ, है का काम। हाँ, कछु करने न। हाँ, केवल वे दूले ही तो बनने। हाँ, बनने। हाँ, हमारे शुद्ध किसान सही बात है। हमारे नहीं सुनने वो घर ही सुन नहीं सुनने वो जी की जेब गर्म हो गई सुनने की। हम तो ऐसा फलाने के ढकाने के दादा को कोई नहीं पूछा। हाँ, किसान तो किसान, किसान की पीड़ा है जा, इसे तो गार्जियन को बराबर ना मानिए देखो। हाँ, बा नहीं। और आवास की आदमी क्या है आवास। हाँ, आवास उनके बने। हाँ, जो उनके हैं। हाँ, ठीक है उनके किनके हैं जो नहीं बताओ ने। तो, जैसे आवास हम और लिस्ट में ना हुआ सुनो आप। जैसे हमारे पिताजी को आवास लिस्ट में आया था। प्रधान जी ने बाकायदा कहा कि आपका आवास आ गया है। ठीक है, ठीक है। जैसे सरकार बीजेपी की बनी वो आवास हमारे पिताजी को चलो बिल्कुल सीधे ना सुनना चलो। जा के रहे आप हमारा तो कुछ नहीं भाव अबे तक नौनी कुछ नहीं हुआ। ब्याह भी नहीं हुआ। अरे ब्याह हो गया मोड़ी मोड़ा है सब है। का कछु बहू है लड़का है नाती हो परो सब आनंद है। लेकिन सरकारी काम हो कुछ नहीं हुआ है। योजना को लाभ नहीं मिला कुछ नहीं। सत्य बात है। लेटर नहीं ना कोई आवाज कुछ नहीं हुआ। लाली बहना नहीं अबे हमें फार्म नहीं डालो। फार्म अब जैसे साइट खोले सो फार्म डाले। आप और बता सुन देखो आप लोग नहीं आप लोग सकले दिखा के डरवा के कुछ भरमत करके ना पूछो। हमें पूछन दो ईमानदार। देखो सबसे ईमानदारी से पूछ रहे हैं आपको पता है तो ईमानदारी से बता की खूब विधायक अच्छो को है आदमी। हाँ, कह तो दही हमने ये कई बात तो कह दी। शिषपाल शिषपाल बस हमारे तो शिषपाल हैं तो है। हो गए सब लोग बहुत सारे लोगों से बात करी सो पंचम खेरा को जो मुख्य जो हम लोगों ने बात करी इतने 50-50 बहुत है और इतने स्थिति तो भैया हाथ हाथ ऐसा कर लो। हो गई बात हो गई भैया से तो पंचम खेड़ा में अच्छो कांटे को चुनाव होने ही दार हमें तो जो लग रहा हो क्या चाचा कांटे को ही है बिल्कुल टक्का है को करवादी को करवादी को ऐसे ट्रैक्टर पंचायत हो जा। हाँ ऐसे ही अब की चुनाव है शिषपाल हो बदनाम कहे उन्हीं की कार्य कहता बिल्कुल उनकी गलती नंजा वो विधायक जी सही नुकसान हुई है कार्यकर्ता नुकसान करा दे नुकसान तो करा ही रहे जान पूछ कितना नुकसान करा दे पूरो विधायक की हरा दे और का देख लियो जैसे भी ऐसे बाकत फिर ऐसा तो हो नहीं। सो इतना भैया हमें लग रहा हो कि कांटे को चुनाव हो सका थे कहा से बहुत सारे लोग होते कम से कम 100-150 लोग तो होंगे 100-150 लोग हैं उनसे जब मत हो तो पतो जो चलो कि बहुत सारे लोग परेशान भी हों बहुत सारे लोग खुश भी हैं। परेशान लोग तो अपोजिट दें जो खुश हैं वे दो चार वोट कितम से तान ले आए का बहुत टाइम हो जाए एक घंटा तो वैसे ही हो। पैसा नहीं देने डाल लपक गई। हाँ,
बिल बॉटा बहुत सारे लोग कह रहे बिजली नहीं है, बहुत सारे लोग जा कह रहे कि बिजली को बिल नहीं दे सो नहीं है, लेकिन इतने अच्छा चुनाव हुई है पंचम खेड़ा का, हमें लगा पृथ्वीपुर विधानसभा में बहुत कायदे को चुनाव हुई है और देखने लायक हुई है पृथ्वीपुर विधानसभा को चुनाव। बुंदेली वार्ता की टीम ने आज से शुरू करो है गाँव गाँव जाओ पृथ्वीपुर में, सो करीब 50 गाँव में तो अपन घुस जाए और घुस के बताएं अपन को क्या स्थिति है। आप लोग देखते रहिए भैया बुंदेली वार्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।